नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक्ट्री अड्डा पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग में आई हुई सब इंस्पेक्टर की भर्ती के बारे में। टोटल 221 भर्ती आई है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। कैसे फॉर्म को फिल करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कब पेपर होगा, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, सारी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग देहरादून, चयन हेतु विज्ञापन। टोटल पद आए हैं यहाँ पर 65 पद आए हैं, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 65 पद आए हैं, उप निरीक्षक अभिसूचना के 43 पद, गुल नायक पुरुष, केवल पुरुष के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है, पीएसी आईआरबी के 89 पद, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 24 पद आए हैं। जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट है, कब से स्टार्ट भरना स्टार्ट हुआ है, वो है 8/1 से 8 जनवरी 2022 से। इसकी लास्ट डेट है 21 फरवरी और जो एग्ज़ाम होने की डेट है वो जुलाई में। यहाँ पर दोबारा से फिर से वही दिखाया गया, 65 भर्ती उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में, उप निरीक्षक अभिसूचना 43 पद, गुल नायक पीएससी 89 और अग्निशमक 24। टोटल आए हैं यहाँ पर 221 पद। और इसमें यहाँ बताया गया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, अनिवार्य है, अभी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी यहाँ पेपर डिसाइड नहीं किया गया है, कोरोना की वजह से पेपर डिसाइड नहीं किया गया है कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन मोड होगा, दोनों में हो सकता है या एक में ही होगा। वैसे चांसेस तो ऑफलाइन के हैं, मगर अगर ज़्यादा कोरोना बढ़ जाता है तो ऑनलाइन पेपर भी करा सकते हैं। उसकी सूचना आपको SMS या मेल के जरिए दी जाएगी। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं पहली भर्ती के बारे में। जो पहला आया है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना, इसमें दो पद दिखा दिए हैं, नागरिक पुलिस अलग है, अभिसूचना अलग है। टोटल हम देख लेते हैं यहाँ पर, जो पहला पद है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अनुसूचित जाति SC, यहाँ पर 13 पद हैं। वुमेन्स के लिए 30% रिजर्वेशन है, 3 पद यहाँ है, एक्सर्विसमैन का कोई पद नहीं है, ऑर्फन्स का कोई नहीं है, अदर के 10 पद हैं। अनुसूचित जनजाति ST 2 पद हैं, टोटल 2 पद हैं यहाँ पर भी। ये OBC है, अन पिछड़ा वर्ग 9 पोस्ट है, वुमेन्स की 2 पद पोस्ट रिजर्व है, 7 पोस्ट अदर्स में है। ये 6 पोस्ट है, 1 पोस्ट वुमेन्स के लिए है, 5 पोस्ट अदर्स के लिए है। जनरल सामान की बात कर लेते हैं, टोटल पोस्ट है 35, वुमेन्स के लिए 10 पोस्ट है, एक्सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट है, ऑफेंस के लिए 1 है, अदर्स के लिए 23 है। टोटल यहाँ पर 65 पोस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं उप निरीक्षक अभिसूचना, उप निरीक्षक अभिसूचना की यहाँ पर SC की है 9, ST की है 1, OBC की है 6, इसकी है 4 और जनरल की है 23, टोटल है 43। बात कर लेते हैं वेतन की, बेसिक पे है इसका 44,900, इसका बेसिक पे है, लेवल 7 की वैकेंसी है, मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम 28। और क्या देख लेते हैं, ग्रेजुएशन मांगा है जो भूतपूर्व सैनिक के लिए सच्ची योग्यता इंटरमीडिएट है या उसके समकक्ष कोई भी हो। अब देख लेते हैं शारीरिक मापदंड, जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है क्या क्या है। तो जनरल SC एंड OBC इसके लिए मांगी गई है 167.70 सेंटीमीटर, ये पुरुष के लिए है, और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। और अनुसूचित जनजाति ST के लिए है 160 सेंटीमीटर और वुमेन्स के लिए है 147 सेंटीमीटर हाइट मांगा है। जो पर्वतीय क्षेत्र है के अभ्यर्थियों के लिए 162.60 सेंटीमीटर और वुमेन्स के लिए 147 सेंटीमीटर मांगा है।
सीने के माप केवल पुरुषों के लिए खुलाने पे, जो हमारे जनरल SC और OBC हैं उनके लिए है 78.8, इतना तो मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद 5 सेंटीमीटर आपको खुलाना है, जो 83.5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना ही है आपको, 83.8 सेंटीमीटर। और जो हमारे अनुसूचित जाति हैं ST, और जो माउंटेन मैन है पर्वतीय क्षेत्र वाले हैं उनके लिए 76.5 सेंटीमीटर और 81.5 सेंटीमीटर ये है। यहाँ लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य ही है। यहाँ दिखाया गया कि पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, देहरादून पूरी चकराता तहसील का, राजपुर चकराता, ये आप पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है वैसे, इसको आप पढ़ लेना बाद में। ये सारी दक्षता फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है ये। देखिए क्या क्या मांगा है, क्रिकेट बॉल को थ्रो करना है 50 मीटर तक, लंबी कूद है, लॉन्ग जंप है, 13 फीट, चिनअप है, चिनअप करना है, इस पे लटकना है, ये 5 बार करना है केवल, दौड़ व चाल 5 किलोमीटर दौड़ना है 30 मिनट में, दंड बैठक उठक बैठक करना है, अप डाउन करना है 2 मिनट में, 2 मिनट 30 सेकंड में 40 करना है, और 7 सेकंड में 50 बैठक करना है। महिला अभ्यर्थियों के लिए, वुमेन्स के लिए, वुमेन के लिए क्रिकेट बॉल 20 सेंटीमीटर फेंकना है, 20 मीटर फेंकना है सॉरी। लंबी कूद है जो वो 8 फीट कूदना है, दौड़ और चाल 200 मीटर केवल दौड़ना है, बहुत कम 40 सेकंड में, तो मतलब हाई स्पीड है। स्किपिंग करना है, मतलब जो रस्सी कूदते हैं ना ऐसे करके जंप करते हैं, वो 1 मिनट में 60 बार कूदना है। शटल, शटल करना है, 2 पॉइंट होते हैं, यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ आना, यहाँ से यहाँ जाना, तो 25 बार जाना है, 4 मीटर, 4 मीटर इसकी डिस्टेंस होगी, यहाँ से लेकर इसकी 4 मीटर डिस्टेंस होगी, ऐसे 25 बार जाना है, एक बार इधर जाना है, एक बार इधर जाना है, एक बार इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, 29 सेकंड में। अब देख लेते हैं उसके बाद यहाँ पर जो अपना फिजिक वो दिया गया है, मेडिकल दिया गया है कि मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो आप इसको पढ़ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कि पेपर, पेपर पेपर की बात कर लेते हैं, जो ऑप्शनल है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल चॉइस है, 100 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर है, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, जिसमें उत्तराखंड की जानकारी सहित 1 प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये प्री है या मेन है, मेंस है, ये नहीं पता, केवल अभी बताया गया कि पहला पेपर ये होगा, एक ही पेपर होगा, मतलब फिजिकल के बाद एक पेपर होगा, उसके बाद सीधा वो मेडिकल को ज्वाइनिंग वगैरह। अब देख लेते हैं कुल नायक पुरुष, ये केवल पुरुष के लिए, वुमेन्स के लिए यानी PAC IRB, टोटल पद है 89 89 89। यहाँ पर भी देख लेते हैं SC के लिए 18, OBC के लिए नहीं सॉरी ST के लिए 3, OBC के लिए 12, अ का वह पता नहीं मुझे क्या है ये, 8, सामान्य के लिए 48, टोटल है 89 89 पद हैं। इसका वेतन वही सेम है 44,900, लेवल 7 की वैकेंसी है, 21 साल मिनिमम है, 28 साल मैक्सिमम एज मांगी गई है, वही ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, स्नातक मांगा हुआ है, अभूतपूर्व सैनिक के लिए सच्चुकता इंटरमीडिएट मांगा है 10+2 या उसके समकक्ष मांगा हुआ है सारे। अब देख लेते हैं ये मेल के लिए है, हाइट मांगा है सेम 167.70, ये ST के लिए मांगा है 160, और जो पर्वतीय क्षेत्र के हैं, माउंटेन एरिया के हैं, वो 162.60, 162.60 सेंटीमीटर इतनी मांगी गई है पर्वतीय क्षेत्र के लिए, माउंटेन क्षेत्र के लिए। सीने के माप सेम ही है 78.80, एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना है, और जो अपने ST हैं और माउंटेन एरिया वाले हैं उनके लिए 76.5 और मैक्स मतलब एक्सपेंड करना है 5 सेंटीमीटर, 81.5 इतना तो जाना ही चाहिए, यहाँ वो दिया हुआ अनिवार्य है, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना ही है।
और यहाँ पर ये माउंटेन एरिया को इन्होंने बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया, आपने देख लेना कि आप माउंटेन एरिया में आते हो कि नहीं आते हो। उसके बाद ये फिजिकल है कि क्या क्या फिजिकल में होगा। क्रिकेट बॉल थ्रो करनी है 50 मीटर, ये मेल के लिए है। लंबी कूद है 13 फीट, चिन अप करना है 5 बार। दौड़ चाल है 5 किलोमीटर, वही 30 मिनट में, 30 मिनट में 5 किलोमीटर करनी है। और दंड बैठक है 2 मिनट 30 सेकंड में 40, 60 सेकंड में 50। ये दंड है और ये बैठक है। ये मेडिकल देख लेना आप, इसमें मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैं क्यों जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस मैं उतनी ही बताऊंगा, बाकी डीपली जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ रिटन में वही 100 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर है, लिखित परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप है। अभी ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा अभी ये पता नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, कुछ डिसाइड नहीं है, ठीक है। वही समान हिंदी, समान ज्ञान, समान अध्ययन, उत्तराखंड सही जानकारी, ये सब पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। तीसरी है जो तीसरी पोस्ट आई है, अग्निशमन द्वितीय, फायरमैन वाली है, ठीक है, द्वितीय अधिकारी। इसमें पुरुष और महिला दोनों, उसमें केवल जो याली पोस्ट थी इसमें केवल, यहाँ पर देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ गई। हाँ, ये केवल पुरुष के लिए थी, यहाँ वोमेन के लिए सीट नहीं थी, ये केवल पुरुष पुरुषों के लिए थी। इसमें देख लेते हैं, इसमें 24 टोटल पोस्ट आई है, 24। यहाँ पर एससी के लिए है 5, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए है 1, ओबीसी के लिए है 3, इसके लिए 2, और जनरल के लिए 13 पोस्ट। वेतन सेम है, 44,900, लेवल 7 की वैकेंसी है, 21 साल मिनिमम है, 28 साल मैक्सिमम। वही ग्रेजुएशन मांगा है, ग्रेजुएट मांगा है, और जो भूतपूर्व सैनिक है वो 10+2 होना चाहिए, और साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब साइंस साइड होने चाहिए, साइंस साइड होने चाहिए, ठीक है। ये वुमेन्स के लिए दिया गया है, इसमें आगे पीछे कर दिया है। वुमेन्स के लिए 152 जो हमारे जनरल हैं, ओबीसी हैं और एससी हैं, उनके लिए 152, एसटी के लिए है 147, और जो माउंटेन एरिया वाली हैं उनके लिए है 147। मिनिमम वेट कर दिया गया 45 kg, 45 kg वेट होना ही चाहिए आपका। और इसमें देख लेते हैं क्या क्या जो फिजिकल मांगा है। क्रिकेट बॉल थ्रो करनी है 20 मीटर, लंबी कूद है 8 फीट, दौड़ चाल 200 मीटर 40 सेकंड में, जो स्कीपिंग है रस्सी कूदनी है, ऐसे बार बार जंप करना है 1 मिनट में 60 बार, 60 बार। अब पुरुष, यहाँ पुरुष के लिए देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायर्ड मांगी है। मेंस के लिए मेन 167.7, जो पहले ही मांगा था, प्रीवियस जो ऊपर हर भर्ती मांगा था वही मांगी गई है। हार एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, और जो माउंटेन एरिया वाले हैं उनके लिए 162.76 सेंटीमीटर, जिन्हें की वही है 178.8 सेंटीमीटर, और फुलाने 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना है, वो आप कर ही लोगे, यहाँ लिखा हुआ है अनिवार्य है, ठीक है। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी 5 स्टेशन सेकंड ऑफिसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम, अब देखिए ये मेल के लिए है जो सिर्फ फिजिकल में करना है। क्रिकेट बॉल 50 मीटर थ्रो करनी है, पहले भी बताया है इसमें, वही 13 फीट कूदना है, वही चिन अप 5 बार है, वही दौड़ है 5 किलोमीटर 30 मिनट में, वही दंड है और बैठक है, 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड है और 60 सेकंड में 50 बैठक है। लिखित परीक्षा वही 60 अंकों की है, 2 घंटे का पेपर होगा, मल्टी चॉइस पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, और बाकी अभी इसमें बताया नहीं है। तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा, सामान्य ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है, मतलब जो जनरल है 45% लाना है, जनरल और ओबीसी 45% लाना है, बाकी जो अदर बच रहे हैं एससी एसटी उनके लिए 35% लाना ही है, 100 में 35 नंबर लाना है,
और 100 नंबर का मार्क्स है, और निगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की दिखाई गई, यहाँ पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, तो 25 मतलब 45% आपको मार्क्स लाना है तभी आप क्वालिफाई हो पाओगे, मतलब 45 नंबर तो लाना ही है। ये 1/4 की माइनस मार्किंग है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। अभी यहाँ पर दिया गया, अगर पेपर ऑफलाइन होता है तो वही ओमार सीट पे होगा पेपर, ठीक है, जिसमें काला करते हैं ऐसे गोल गोल करके, वो काला करने वाला पेपर होगा, ठीक है। अगर ऑनलाइन होगा तो ये कंप्यूटर कंप्यूटर बेस टेस्ट, ये है CBT। अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन के ऑनलाइन तरह पेपर होगा, जैसे ऑनलाइन होता है कंप्यूटर पे, ठीक है। बाकी ज़्यादा चीज़ें ये सब इम्पोर्टेंट होंगी, आप देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि मैं सारी चीज़ें अब नहीं बता रहा, जैसे अनापत्ति प्रमाण प्रमाण पत्र क्या बोलते हैं उसे, और नेशनलिटी, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है मगर पढ़ना ज़रूरी है, मगर अभी इस वीडियो में पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। फोटो वगैरह के बारे में बताया है कि कैसे करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये फॉर्म भरना है, ठीक है। 8 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गया भरने के लिए, 8 जनवरी से, तो आप देर ना करें, भर दें, वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। बाकी भी नोटिफिकेशन ज़्यादा उतना कुछ बताया है नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट था मैंने इसको बता दिया। तो 44,900 काफ़ी अच्छा वेतन है, लेवल 7 की वैकेंसी है, सभी का वेतन समान है, टोटल 221 पोस्ट है, टोटल पोस्ट 221 पोस्ट है, और अच्छी वैकेंसी है, SI है, डबल स्टार है, सबके कंधे पे हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छी जॉब है, उत्तराखंड में है, UK में है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं लेटेस्ट लेटेस्ट जो भी जॉब आती है उनका रिव्यू कर सकूं, और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट फील होगा कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब हो रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है, नहीं तो इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। तो अगर आपको चैनल लगे तो एक लाइक भी कर देना, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।